बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भले ही एक बुजुर्ग महिला को शाहीनबाग वाली दादी बताने वाला ट्वीट डिलीट कर दिया है, लेकिन उस ट्वीट पर अभी भी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही हैं। अब पंजाबी स्टार और बॉलीवुड एक्टर दिलजीत दोसांझ ने कंगना रनौत पर हमला बोलते हुए कहा है कि किसी को इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि किसी को कुछ भी बोल जाए। दरअसल जिन बुजुर्ग महिला को शाहीनबाग वाली दादी बताते हुए कंगना ने ट्वीट किया था वो पंजाब के भटिंडा की महिंदर कौर है। बीबीसी की ओर से महिंदर कौर से बातचीत के वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए दिलजीत दोसांझ ने कंगना पर हमला बोला है। दिलजीत ने लिखा है, प्रूफ के साथ सुन लो कंगना रनौत, जो पॉलिटिक्स करनी है करो, लेकिन हमारी माताओं को कुछ भी कहने से पहले तमीज सीखो। बंदा इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी बोल जाए। एक्ट्रेस पर दिलजीत की टिप्पणी का कई पंजाबी स्टार्स ने समर्थन किया है। दिलजीत की पोस्ट पर सिंगर जेजी बी और एमी विर्क ने भी रिएक्शन दिया है। दिलजीत दोसांझ के डायरेक्टली कंगना रनौत को कॉल आउट करने के बाद कंगना भी कहाँ चुप बैठने वालों में से थी। कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा, ओ करण जौहर के पालतू, जो दादी शाहीन बाग में अपनी सिटीजनशिप के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी वही बिल्किस बानो दादी जी फार्मर्स के एमएसपी के लिए भी प्रोटेस्ट करती हुई दिखी। महेंद्र कौर जी को तो मैं जानती भी नहीं, क्या ड्रामा चलाया है तुम लोगों ने, स्टॉप दिस राइट नाउ। इस पर दिलजीत ने भी कड़ा जवाब दिया और लिखा, तूने जितने लोगों के साथ फिल्म की तू उन सब की पालतू है, फिर तो लिस्ट लंबी हो जाएगी मालकों की। ए बॉलीवुड वाले नी पंजाब वाले आ हिकते वज सड़े। झूठ बोलकर लोगों को भड़काना और इमोशन से खेलना वो तो आप अच्छे से जानती हो। अब देखना ये होगा कि कंगना और दिलजीत का ये ट्विटर वॉर कितनी दूर तक जाता है। कंगना रनौत और दिलजीत का ये ट्विटर वॉर जल्द रुकने वाला नहीं है। वहीं कंगना ने कह दिया है कि अगर वो गलत प्रूव होती हैं वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। कंगना ने ट्वीट करते हुए लिखा, ओ चमचे चल, तू जिनकी चाट चाट के काम लेता है मैं उनकी रोज़ बजाती हूँ, ज़्यादा मत उछल, मैं कंगना रनौत हूँ, तेरी जैसी चमची नहीं जो झूठ बोलूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ शाहीनबाग वाली प्रोटेस्टर पे कमेंट किया था, इफ़ एनीवन कैन प्रूव अदरवाइज आई विल अपोलोजाइज।